Hey, what's up guys, welcome back to Royal Tech Club YouTube channel। हाँ तो गाइस, आप में से काफी सारे बंदों का यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह रहता है, जो कि काफी सारे बंदे मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पर्टिकुलर डीएम करके पूछते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा बेहतरीन सा गेम पैड बता दे जो कि 1500 से लेकर 1600 रुपए के हमें बजट में देखने को मिल जाए और काफी अच्छा गेम पैड हो, सभी डिवाइस में हमें सपोर्ट करे, पीसी हो या फिर एक्सबॉक्स हो और या फिर हमारा एंड्रॉइड टीवी ही क्यों ना हो, और जो कि हमारे जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा यहाँ पे एनहांस कर देता है गेम पैड। तो गाइस आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए यहाँ पे रेडगेयर की तरफ से आने वाला है यहाँ पे रेडगेयर प्रो वायरलेस गेम पैड, जो कि गाइस यहाँ पे आप लोगों को 1600 रुपए के बजट में यहाँ देखने को मिल जाता है Amazon, Flipkart वगैरह पे। तो गाइस फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ पे वीडियो में एंड तक बने रहिए, इसकी डिटेल रिव्यू अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग के साथ। तो यार वीडियो को जरूर से एंड तक देखना अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी बेहतरीन सा गेम पैड परचेस करने की सोच रहे हो 1500 से लेकर 1600 रुपए के बजट में, तो आज की वीडियो आप लोग मैं जरूर से कह सकता हूँ काम की होने वाली है। बाकी अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो, मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है उदय और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉयल टेक। तो कोई चैनल पर अगर आप पहली बार हो, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे एक घंटे और बटन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि गाइस ऐसे जो क्वालिटी कंटेंट है हम वीकली अपने इसी चैनल पर आप लोग के लिए लाते रहते हैं। बाकी गाइस मेक श्योर कि वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, आज की इस वीडियो को लाइक टारगेट हम सिर्फ 100 रखते हैं, तो यार उम्मीद है कि आप लोग हमेशा के साथ जल्दी पूरा करा दोगे। तो चलिए गाइस बिना कोई ज्यादा बकवास के हम कर लेते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के बाद। बात करें यहाँ पे बॉक्स के डिजाइन की, तो गाइस बॉक्स के सामने की तरफ आप लोगों को इसके जो कुछ की फीचर्स वगैरह यहाँ पे हाईलाइट करे गए हैं और ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर में आप लोगों को रेड गेयर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। गाइस बात करें इसके बॉक्स के साइड लुक की, तो गाइस यहाँ पे जो गेम पैड के बारे में यहाँ पे गाइस के जो यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं उसका जो लुक्स वगैरह यहाँ पे देखा गया है। इसके अलावा गाइस बात करें यहाँ पे पीछे की, तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो ऐसी कि कुछ और भी यहाँ पे की फीचर वगैरह हाईलाइट करेगा या देख सकते हो। और अगर इसके अलावा यहाँ पे जो इसकी MRP जो मेंशन की गई है यहाँ पे 1799 रुपीज़ लिखी गई है, पर अगर इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है इस गेम पैड की वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए गाइस एंड तक बन रही है। बाकी गाइस जो ये सभी के साथ कॉम्पेटिबल आप देख ही सकते हो, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10 और सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो गाइस अगर बात करें इस गेम पैड की यहाँ पे प्राइस की, तो गाइस वैसे तो इसकी प्राइस जो यहाँ पे 1699 रुपीज़ है, पर गाइस आप लोग क्या है सेल के अंदर ये आप लोग को 1500 से लेकर 1650 रुपीज़ में भी देखने को मिल जाता है। तो यदि गाइस आप लोग इसे सेल में परचेस करते हो तो वहां पे आप लोग 100 से 150 रुपीस का फायदा हो जाने वाला है। बाकी गाइस यदि आप लोग आज की वीडियो देखने के बाद इसे इंटरेस्टेड हो जाते हो परचेस करने के लिए, तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे गाइस आप लोग डायरेक्टली जाके इसे परचेस भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस फिलहाल के लिए हम इसे गेम पैड को यहां पे करते हैं अनबॉक्स और चलिए बढ़ते हैं इसके इनबॉक्स कंटेंट की तरफ। वही बॉक्स में आप लोगों को सबसे पहले क्या है ना यहां पे गेम पैड देखने को मिलता है, जो कि गाइस आप देख सकते हो रेडगेयर प्रो यहां पे हमारा वायरलेस गेम पैड है, काफी प्यारा सा लुक्स एंड डिजाइन में गाइस यहां पे आता है। फिलहाल के लिए हम इसे रखते हैं साइड में और देखते हैं और क्या-क्या हमें मिलता है। तो इसके अलावा जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो अगर यहाँ पे जो गेम पैड का रिसीवर देखने को मिलता है, जो कि आपके गेम पैड को आपके किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करने के यहाँ पे काम आने वाला है, तो इसे भी हम रखते हैं साइड में। इसके अलावा यहाँ पे आप देखने को मिल जाती है यहाँ पे USB टाइप केबल, जो कि आपका जो यहाँ पे गेम पैड है ना उसको यहाँ पे चार्ज करने में आपको हेल्प वगैरह करेगी, मतलब कि आप लोग इसे किसी भी फोन के अडैप्टर से अपने चार्ज वगैरह कर सकते हो, 1.5 से 2 घंटे में जो आपका गेम पैड है यहाँ पे फुल चार्ज हो जाता है आपका। इसके अलावा क्या है ना इस पॉलिसी में मेरे को एक और जो नैनो रिसीवर देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे मेरे गेम पैड का ही है आपको, मेरे को नहीं पता है सभी बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा या फिर मेरे यहाँ पे बॉक्स में गलती से यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को दो नैनो रिसीवर मिले हैं अपने इस वाले गेम पैड पे। इसके अलावा भी मैं काफी सारे गेम पैड वगैरह मंगाए, मेरे को किसी में भी दो यहाँ पे नैनो रिसीवर नहीं देखने को मिले, तो अब मेरे को नहीं पता आपको मिलेंगे या फिर नहीं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाते हैं रेडगेयर की तरफ से आने वाला है कुछ पेम पत्र, जो कि गाइस गेम पैड के फंक्शन वगैरह के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, पर गाइस आप लोग को उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो में मैं सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन वगैरह करने वाला हूँ। तो गाइस हम फिलहाल के लिए रखते हैं सबको साइड में और बात करते हैं गेम पैड के बारे में। तो गाइस ऐसे कुछ लुक्स एंड डिजाइन में आता है हमारा रेडगेयर प्रो वायरलेस गेम पैड। तो गाइस आप देख सकते हो मतलब कि यहाँ पे जो गेम पैड है ना काफी अच्छे प्रीमियम से लुक में आता है गाइस, जहाँ पे आप लोग फ्रंट में जो रेडगेयर की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपके गेम पैड को यहाँ पे काफी अच्छा प्रोफेशनल लुक दे देती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर बात करें गेम पैड के पीछे की लुक की, तो यहाँ पे जो उसका मॉडल नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन वगैरह किया गया है, और इसके अलावा आप लोगों को ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रिगर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि गाइस काफी ज्यादा सॉफ्ट ट्रिगर्स है, क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पे मतलब कि आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब गाइस यहाँ पे जो इसके अलावा आप लोगों को ऊपर की तरफ यहाँ पे USB टाइप इनपुट भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके गेम पैड को यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे में आपका गेम पैड यहाँ पे चार्ज भी हो जाता है इस USB टाइप इनपुट को यूज करके। इसके अलावा यहाँ पे बात करें गेम पैड की ग्रिप वगैरह की, तो गाइस काफी ज्यादा सॉफ्ट ग्रिप है, रबराइज्ड ग्रिप है, मतलब कि गाइस यहाँ पे जो इन एंड गेम फीलिंग है ना काफी यहाँ पे बढ़िया होने वाली है, आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, भले गाइस आप यहाँ पे कितने भी लंबे समय तक यहाँ पे गेम प्ले वगैरह करो इस गेम पैड को यूज करके। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको होम बटन देखने को मिल जाता है, जैसे ही आप लोग इसे प्रेस करते हो तो आपका गेम पैड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, नीचे की तरफ गाइस आप लोगों को LED लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है, जो कि आपको इसे गेम पैड के यहाँ पे कनेक्टिविटी स्टेटस वगैरह को शो वगैरह करती है। इसके अलावा यहाँ पे जो कीज वगैरह ना उसके पीछे आप लोगों को बैक लाइट भी देखने को मिल जाती है, जो कि गाइस आपके किसी भी यहाँ पे गेम पैड को एक काफी अच्छा प्रीमियम सा लुक देती है। और इसके अलावा यहाँ पे बात करें इसके मेन फीचर्स की, तो यहाँ पे जो इसकी कीज
वगैरह काफी ज्यादा सॉफ्ट है, एनालॉग भी काफी ज्यादा बढ़िया है। आप देख सकते हो कैसे अच्छे से यहाँ पे स्मूथली वर्क वगैरह कर रहे हैं। तो गाइस मतलब कि आपको यहाँ पे काफी अच्छा गेम प्ले एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका होने वाला है इस गेम पैड को यूज करके। तो गाइस अगर आप बात करें इस गेम पैड की यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में, तो गाइस वैसे तो आप लोग इस गेम पैड को अपने सभी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, भले वो पीसी हो, एंड्रॉइड टीवी हो या फिर एक्सबॉक्स वगैरह ही क्यों ना हो, गाइस सबके साथ यहाँ पे सपोर्ट वगैरह कर जाता है। पर गाइस अगर बात आती है यहाँ पे फोन वगैरह की, तो गाइस ऐसे में आप लोग इसे अपने फोन के साथ यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रीजन है सिंपल सा, क्योंकि गाइस आप लोगों को फोन में यहाँ पे कोई भी यूएसबी टाइप यहाँ पे आउटपुट नहीं देखने को मिलता है, जिससे कि आप लोग जो अपने नैनो रिसीवर को, गेम पैड के रिसीवर को अपने डिवाइस से कनेक्ट कर सको। पर गाइस इसका भी यहाँ पे हमारे पास जुगाड़ है, तो गाइस जुगाड़ ये है कि आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो OTG केबल, जो कि गाइस आप लोगों को यहाँ पे मार्केट में 50 से 60 रुपए इसकी देखने को मिल जाती है, जो कि गाइस यहाँ पे आती है यूएसबी टाइप यहाँ पे आउटपुट के साथ, जो कि डायरेक्टली आपके नैनो रिसीवर को आपके यहाँ पे फोन के साथ कनेक्ट कर देगी। और गाइस ऐसे में आप लोग फोन के गेम्स वगैरह भी गेम पैड को यूज करके खेल पाओगे। पर गाइस मैं आपको यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर दूं कि फोन में सभी गेम के यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, कुछ ही गेम्स के यहाँ पे सपोर्ट वगैरह करता है। बाकी अगर आप लोग इसे किसी और डिवाइस के लिए परचेस वगैरह करना चाहते हो, पीसी हो गया, एक्सबॉक्स वगैरह हो गया, तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो। अब गाइस बात करें यहाँ पे इसके ब्लूटूथ वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे ब्लूटूथ की रेंज जो आप लोगों को यहाँ पे 8 से 10 मीटर की देखने को मिल जाती है, जो कि गाइस यहाँ पे काफी ठीक ठाक रेंज है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो इसका बैटरी बैकअप, वो आप लोगों को 1.5 से 2 घंटे यहाँ पे चार्ज करने पे 8 से 10 घंटे का यहाँ पे बैटरी बैकअप दे देता है, जो कि गाइस आप लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो, काफी अच्छा यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस हम फिलहाल के लिए अपने इस गेम पैड को यहाँ पे करते हैं अपने पीसी से कनेक्ट, और चलिए गेम खेल के देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो जो हमारे नैनो रिसीवर है, इसको हम कर लेते हैं अपने पीसी के साथ जल्दी से कनेक्ट, और इसके बाद जो हम अपना गेम प्ले भी यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा नैनो रिसीवर है, इसको यहाँ पे मैं जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट इसे कर लिया, यहाँ पे लगा दिया अपने पीसी के साथ में। अब गाइस यहाँ पे हमारा जो गेम पैड है, हम इसको जो है यहाँ पे होम बटन प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो पीसी के साथ कनेक्ट है ये हो चुका है, क्योंकि जो इसकी एलईडी लाइट आप देख सकते हो ब्लिंक नहीं हो रही है, मतलब कि जो इसका कनेक्टिविटी स्टेटस है यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट वगैरह हो गया है। तो गाइस जल्दी से हम चलिए अपने गेम को स्टार्ट करते हैं और गेम प्ले खेल के देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने गेम लगाया वो स्पॉट 9 लेजेंड लगाया है, तो गाइस यहाँ पे हमारा जो गेम है यहाँ पे ये भी स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे चलिए हम प्ले करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे क्विक रिस्पॉन्स वगैरह देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी यहाँ पे दिक्कत वगैरह नहीं हो रही है, इसके एनालॉग वगैरह काफ़ी अच्छे से गाइस यहाँ पे प्ले वगैरह हो रहे हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से गाइस जो की वगैरह काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क वगैरह कर दिए हैं। और अगर यहाँ पे इन एंड जो गेम फीलिंग वगैरह आ रही है ना, काफ़ी यहाँ पे बढ़िया वगैरह आ रही है, आपको कोई भी यहाँ पे जो दिक्कत नहीं हो रही है, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क वगैरह कर रहा है। तो मतलब कि गाइस आप लोगों को ना गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी आना यहाँ पे स्मूथ और जो बढ़िया वगैरह होने वाला है। सो गाइस यही चीज़ रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड की यहाँ पे अनबॉक्सिंग और गेम प्ले वगैरह। अब गाइस बात करें इस गेम पैड के यहाँ पे रिव्यू के बारे में, तो गाइस मेरा तो यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ पर यही है कि अगर आप लोग इसे यहाँ पे पीसी के लिए, एंड्रॉइड टीवी के लिए या फिर एक्सबॉक्स वगैरह के परचेस करना चाहते हो ना, तो आप लोग डेफिनेटली इसे परचेस करते हो बेझिझक होकर, क्योंकि यहाँ पे जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी यहाँ पे इनहेंस कर देता है। मैंने एक वीक से यहाँ पे रेगुलर यूज किया, मेरे को कहीं भी कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई, गाइस काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रिप वगैरह देखने को मिलती है। अब गाइस यहाँ पे कोई ये मैं सोचा कि स्पॉन्सर वीडियो, कोई भी स्पॉन्सर वगैरह वीडियो नहीं है आप लोग की वजह से यहाँ पे जो मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। बाकी गाइस आप लोग इसे जरूर से वगैरह ले सकते हो, पर गाइस अगर आप लोग इसे एंड्रॉइड फोन के लिए परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको 1% भी यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया काफी कम गेम्स का यहाँ पे सपोर्ट करता है एंड्रॉइड फोन के अंदर। बाकी अगर आप किसी और डिवाइस के लिए यहाँ पे लेना चाहते हो उस गेम पैड को, आप लोग डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो, यहाँ पे बेस्ट बेस्ट डील हो सकती है इस गेम पैड को इस प्राइस में यहाँ पे परचेज वगैरह करना। तो बाकी गाइस अगर आप लोग को ये गेम पैड परचेस करने के लिए आप लोग इंटरेस्ट वगैरह हो जाते हो, तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग डायरेक्टली जाके यहाँ पे परचेज वगैरह कर सकते हो। सो बाकी गाइस आज के वीडियो में इतना यही चीज यहाँ पे गेम पैड की यहाँ पे पूरी कहानी। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे गेम पैड यहाँ पे पसंद आया हो, यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो, तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर देना। गाइस चैनल पर अगर आप पहली बार हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे जो क्वालिटी कंटेंट है हम आपके लिए अपने इसी चैनल पर लाते रहते हैं। बाकी गाइस आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरा यूजर नेम रॉयल सागर 45, जिसका लिंक गाइस आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से गाइस आप लोग डायरेक्टली जाके फॉलो वगैरह कर सकते हो, जरूर से कर लेना। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी एक और न्यू वीडियो में, एक और न्यू किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक गाइस आप लोग कुछ ना कुछ और न्यू देखते रहो और सीखते रहो।